बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर ऋषि कपूर अब भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन वो अपनी बेहतरीन एक्टिंग से कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। ऋषि कपूर का आज जन्मदिन है। ऋषि कपूर ने बॉबी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। 80 से 90 दशक में ऋषि ने सबसे ज्यादा फेम हासिल किया। ऋषि कपूर ने बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में अपनी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हों। चलिए इस पैकेज में हम आपको उनके ऐसे ही 5 किस्से बताते हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से शादी की, लेकिन आपको बता दें कि नीतू ऋषि का पहला प्यार नहीं थी। नीतू से पहले वो एक पारसी लड़की यास्मीन मेहता के साथ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने इस बारे में ज्यादा बताया नहीं, लेकिन जब नीतू से उनकी पहली मुलाकात हुई तब वे यास्मीन को डेट कर रहे थे। फिल्म बॉबी हिट होने पर यास्मीन को लगा कि ऋषि बॉबी में उनकी को स्टार रही डिंपल कपाड़िया के साथ रिलेशनशिप में है। इस गलतफहमी की वजह से उन्होंने ऋषि को छोड़ दिया, हालांकि ऋषि ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। अपनी किताब में ऋषि ने इस बात का जिक्र भी किया कि राजेश खन्ना ने उनकी अंगूठी समुद्र में फेंक दी थी। दरअसल ऋषि जब यास्मीन के साथ रिलेशनशिप में थे तब यास्मीन ने उन्हें एक रिंग गिफ्ट की थी, लेकिन फिल्म बॉबी के दौरान डिंपल ने वो रिंग उनसे लेकर पहन ली। वहीं जब राजेश खन्ना ने डिंपल को प्रपोज किया तो उनसे उस रिंग को समुद्र में फेंकने को कहा। डिंपल ने ऐसा ही किया, बाद में दोनों का रिलेशन आगे बढ़ा। ऋषि कपूर ने इस बात को भी कबूला कि वो एक अवार्ड भी खरीद चुके हैं। जी हाँ, अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऋषि कपूर ने बताया है। उन्होंने कहा कि मैंने 30,000 रुपए देकर फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था। दरअसल 1973 में उन्हें फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। उस समय फिल्म जंजीर में बेहतरीन एक्टिंग के लिए अमिताभ उनके कॉम्पिटिटर थे। ऋषि कपूर बाद में ये भी सोचते थे कि इसी कारण अमिताभ और उनके रिश्ते खराब हुए, क्योंकि अमिताभ को लगता था कि अवार्ड भी डिजर्व करते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऋषि कपूर ने ये भी बताया कि एक बार संजय दत्त उन्हें मारने के लिए उनके अपार्टमेंट पहुंच गए थे। दरअसल संजय दत्त को लगा कि ऋषि का अफेयर टीना मुनीम के साथ है, इसी वजह से वो उन्हें मारने के लिए पहुंचे। बाद में नीतू कपूर ने उन्हें समझा कर वापस भेजा। उन्होंने इस किताब में अपने पिता के बारे में भी कई खुलासे किए। उन्होंने लिखा, राज कपूर प्यार में पड़े हुए आदमी थे। दुर्भाग्य से मेरी माँ के अलावा किसी और महिला से। उनकी गर्लफ्रेंड उस टाइम की कुछ बड़ी हिट फिल्मों की हीरोइन थी। इस प्यार की शुरुआत अंदाज फिल्म के सेट से शुरू हुई थी, जब नरगिस पहले से ही बड़ी हिट फिल्मों की स्टार थी। बहुत बरसों तक दोनों का संबंध रहा। बता दें कि ऋषि कपूर इन दिनों विदेश में अपना इलाज करवा रहे हैं। वहां पर उनके साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर भी हैं।